गांव में चरमराई स्वास्थ्य शिक्षा एवं कानून व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कें बदहाल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और शिक्षित युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिससे गांव की हालत खस्ता हाल हो गई है। बड़वारा तहसील क्षेत्र में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला सदस्य विनय नागवंशी और युवा समाजसेवी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में गांव के मगरहट्टा मोड़ पर चक्का जाम किया। बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ के धरने की सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचते हुए करीब 2 घंटे बाद आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। जिला सदस्य विनय नागवंशी ने बताया कि बड़वारा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। क्षेत्र के शिक्षित युवा बेरोजगारी की मार झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सड़कों की खराब हालत से राहगीरों और ग्रामीणों का चलना दुश्वार हो गया है और कई गांवों में तो गली गली अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके चलते युवा नशे की चपेट में हैं। क्षेत्र में संचालित डोलामाइट खदानों से नियमों के विरुद्ध खनन किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया गया है। कंपनियां जो संचालित हैं क्षेत्र में, उससे निकलने वाला डस्ट है जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है, साथ ही भूमि को बंजर कर रहा है। और उसके अलावा अभी विगत दिनों में ग्राम गुड़ा जमुनिया में आदिवासी समाज के बलबीर सिंह गोड़, जिसके 2 बच्चे खदान संचालकों की लापरवाही के कारण अपने 2 बच्चों की जान गंवानी पड़ी थी। और इस बड़वारा क्षेत्र में जो लंबे अरसे से जमे माइनिंग इंस्पेक्टर हैं अशोक मिश्रा जी, वो कंपनियों को निरीक्षण नहीं करता है। यही वजह है कि क्षेत्र में जो कंपनी संचालक हैं वो नियम विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। और हमारी ग्रामीणों सहित मांग यह है कि अशोक मिश्रा जी को यहां से निलंबन किया जाए। समाज सेवी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि लगातार समस्याओं के निराकरण को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन से ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक हमारी किसी भी समस्या का निदान नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज हम सभी ग्रामीण चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। समाज सेवी ने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो व्यापक तरीके से चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। देखिए, हमारे यहाँ किनकिन टोला क्षेत्र तरफ विभिन्न मांगों को लेकर आज यहाँ पे किनकिन टोला में धरना प्रदर्शन किया गया था एवं चक्का जाम किया गया था। और यहाँ पे सबसे प्रमुख मांगे हैं सड़क, बिजली और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जैसे एम्बुलेंस। सड़कें यहाँ पे इतनी बेहद बदतर हैं कि वहाँ पे तो एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सुविधाएं नहीं जा पाती हैं, जिसको लेकर हमने लगातार पत्राचार किया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन मिल रहा था और कोई आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मुख्य रूप से इनकी 5 मांगे हैं। एक तो सड़क से संबंधित मांगे हैं, मुख्य रूप से माइनिंग से संबंधित मांगे हैं, विद्युत बंद है कुछ ग्रामों में, उससे संबंधित मांगे, और अवैध रूप से शराब पैकारी संचालित उनसे संबंधित मांगे हैं। कुछ तो हमारे टीआई साहब के लेवल की है, तो टीआई साहब ने भी आश्वासन दिया है उच्च स्तर से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।